Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं। Dear students, आज के लेसन में मैं आपको AutoCAD के एक और मोस्ट यूज होने वाली आप कमांड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। Dear students, बेसिकली ये जो कमांड है मोस्टली तकरीबन हर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज की जाती है। इस कमांड का नाम है ट्रिम, ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम जो है इसका काम होता है लाइनों को कॉर्नर से काट देना, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी इस कमांड के मतलब कुछ चीजें पहले से बताई हुई हैं। आज मैं आपको इसके अंदर डिटेल्स बताऊंगा इसकी। इसी तरह से फिर एक्सटेंड्स को हम देखेंगे, एक्सटेंड कैसे यूज की जाती है AutoCAD के अंदर ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक कर दें, आपका AutoCAD ओपन। तो जैसे ही आपका AutoCAD ओपन हो जाए, सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने कीबोर्ड से आप एंटर कर डालें UN, UN फॉर यूनिट्स, इंजीनियरिंग, फिट्स, रेंज, ओके कर दें इसे। फिर डी एंटर कर दें, डी से आपका डायमेंशन आ जाएगा और यहाँ पे आप चले जाएं मॉडिफाइड के अंदर और यहां से अगेन इंजीनियरिंग, फिट्स, रेंज, ओके और मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब आप व्यू के अंदर चले जाएं, डिस्प्ले के अंदर चले जाएं, यूसीएस आइकन और उसको ओरिजिन कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पर लॉक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आज की कमांड के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। आज हम यूज कर रहे हैं जिस कमांड को, उसका नाम है ट्रिम। ट्रिम की जो आपके पास शॉर्टकट बनती है वो आपके पास है टी आर। टी आर अपने कीबोर्ड से एंटर करें तो आपका ट्रिम एक्टिव होकर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, मेरे पास मैंने टी आर एंटर किया तो मेरे पास ट्रिम की ऑप्शन एक्टिव हो चुकी है। तो आई स्टूडेंट्स, कुछ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मेरे पास ये कुछ लाइनें हैं, यहां पर कुछ लाइन है, कुछ लाइन यहां पर है, और अगेन मैं लाइन ले लेता हूं, कुछ लाइनें मैं इधर को ले लेता हूँ, कुछ लाइनें मैं इधर को लेता हूँ, कुछ इधर को, कुछ इस तरफ को, कुछ ये, कुछ ये मुख्तलिफ लाइनें अब ले डाली है यहाँ पे। अब मेरे पास जो कमांड है ये क्या है, ट्रिम। ट्रिम का काम होता है किसी भी चीज को काट देना, खत्म कर देना। अब देखते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले ऑप्शन बताई थी वो की थी क्या थी, आप ट्रिम के अंदर आओ, मैंने बोला था आप ट्रिम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप स्पेस लगा दो। अब आप जिस सब्जेक्ट को क्लिक करते जाएंगे वो आपके पास ट्रिम होता जाएगा। ये देखें, ये देखें और ये देखें। अब जितने जितने मैंने क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट्स मेरे ट्रिम हो चुके हैं, लेकिन अब देखें ये ऑब्जेक्ट्स मेरा ट्रिम नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट मेरे ट्रिम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, आई मैं भी आपको इसकी वजह बताता हूं। अगेन आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर डालें, अगेन आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दें और स्पेस लगा देते हैं कीबोर्ड से। अब आप जिस चीज को क्लिक करते हो वो आपके पास ट्रिम हो जाता है, ट्रिम हो जाता है। अब ये स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ट्रिम नहीं हो पाएगा। ये ट्रिम इसलिए नहीं हो रहा, बेसिकली ट्रिम वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी लाइन को क्रॉस बना रहा हो। अब यहाँ पे लाइन का क्रॉस खत्म हो चुका है इस लाइन का, तो इसलिए ये लाइन अब ट्रिम नहीं हो सकती है। अब ये ट्रिम हो रही है, ये ट्रिम हो रही है, अब ये नहीं ट्रिम हो सकती क्योंकि इसका क्रॉस खत्म हो चुका है। इसी तरह से जब आपने इधर क्लिक कर दिया, अब ना तो ये ट्रिम होगी ना तो ये ट्रिम होगी क्योंकि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। अलबत्ता ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं ये इनको क्रॉस कर रही है। आप इसको ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, आप ट्रिम कर सकते हैं। अब आपके पास ये ट्रिम नहीं होगी, तो उसमें आपके पास जो मेन चीज होती है वो आपका क्रॉस पॉइंट होता है। आपको देखना होता है आपका क्रॉस किधर बन रहा है। अब इधर आए, स्पेस लगाएं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये। अब देखें तो आज से मेरे पास ट्रिम हो चुकी है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो मुख्तलिफ यानी कि मल्टी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, मैं दोबारा इसे कॉपी कर लेता हूं, ये है ठीक है। अब मैं जब ट्रिम के अंदर जाता हूं, मैंने इसको स्पेस लगा देता हूं और अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों तरफ इफेक्ट करेगा, इधर भी ये ट्रिम कर देगा, इधर भी ये ट्रिम कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जब मैं इधर क्लिक करूं कुछ ऐसा हो, मैं सिलेक्ट दोनों को करूं लेकिन फंक्शन एक के ऊपर अप्लाई हो। तो इस काम के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड यूज किया जाता है वो है ट्रिम। उसके बाद आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए एंटर कर दें। अब आप इसको बेशक जितने भी क्लिक करें तो ये इसको ट्रिम नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको टारगेट दे दिया है। आप एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें, एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें। अब जो आप तो टारगेट दिए जस्ट उन्हीं के ऊपर आपका ट्रिम हो पाएगा, अदरवाइज आप कभी भी इसको ट्रिम नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको टीआर एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से तो देखिए आपके पास ये ट्रिम होता जाएगा। तो जब आप ट्रिम को करना चाहेंगे तो आपके पास ये दो चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास मेरी कमांड आ रही है वो मेरे पास एक्सटेंड की कमांड आ रही है। एक्सटेंड, एक्सटेंड नाम से जाहिर है किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को यानी कि मजीद उसके अंदर वैल्यूज को प्लस करना। अब क्या होगा, मैं अपने पास कुछ ये लाइन लगा देता हूं। मैंने एक लाइन यहां पे लगा दी है,
और मैं इसको कॉपी कर देता हूं। इसको मैंने कुछ यहां पे कॉपी कर दिया है। तो एक्सटेंड के ऊपर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक्सटेंड की जो मेरे पास शॉर्टकट है वो क्या है, आपके पास है ईएक्स। अपने कीबोर्ड से आप ईएक्स जब इंटर करते हो तो आपके पास एक्सटेंड एक्टिव हो जाता है। तो मैं एक्सटेंड के ऊपर गया। एक्सटेंड का बेसिकली काम क्या है, एक्सटेंड के ऊपर जाए, आप एक टारगेट बनाए और एंटर कर दें। अब आप क्लिक करें लाइनों के ऊपर तो वो लाइनें, यानी कि आपके पास अगर आपको लाइनें यहां तक लानी है तो जस्ट आप एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करते जाए तो वो लाइन आपके पास आगे की तरफ निकल कर आ जाएंगी। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया था, मैं एक्सटेंड के ऊपर गया, मैंने एक्सटेंड के ऊपर क्लिक किया और फिर मैं टारगेट के ऊपर आ गया। यानी कि आपके पास मुख्तलिफ लाइनें हैं, आप ये लाइनें कहां तक आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैं मिडिल तक लाना चाहता हूं, एंटर करते हैं आप इसे। अब जस्ट आप इधर क्लिक करते जाएं तो देखें ये लाइन आपके पास आगे तरफ निकलती आएंगी। लेकिन बाजूकात आप क्लिक कर देते हो, देखें एक्सटेंड आके आ रहा है, बाजूकात नहीं आता, बाजूकात आता है, बाजूकात नहीं आता। देखें अब ये आगे नहीं जा रहा जबकि ये आगे जा रहा है। अब वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है, आपके पास इसका जो मिड है, मिड से पीछे क्लिक करोगे तो कभी भी आगे जाना नहीं जाएगा। जैसे आप मिड से आगे चलेंगे या मिड पे चलेंगे, आप क्लिक कर दें तो देखें ये इसको आगे लेकर चला जाएगा। तो ये चीज होती है, अगर आप मिड से पीछे की जानब क्लिक करेंगे तो इसको कभी भी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आगे रखकर क्लिक करेंगे तो ये इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं अब मैं ये चाहता हूं पहले मेरी लाइनें यहां पर आए, फिर मेरी लाइनें यहां पर जाए, फिर मेरी लाइनें यहां पर जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, ये एक्सटेंड कर दें या एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर दें। जब एक्सटेंड आपके पास क्लिक हो जाएगा तो आप इसे इंट स्पेस लगा दें। स्पेस से क्या होता है, ओवरऑल ये प्लाई काम करेगा। देखें क्लिक करते जाए, ये अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूं तो देखें फिर आपको तीन मरतबा क्लिक करना पड़ेगा, एक दो तीन। और यहां से डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर देते हो, यानी कि एक्सटेंड में रहते हुए जब आप शिफ्ट प्रेस कर देते हो तो मीन्स आप ट्रिम के ऑप्शन के अंदर चले गए हो। तो यहां से आपको ये फॉरन जंप लगवा देगा ट्रिम के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सटेंड की ऑप्शन और ट्रिम की ऑप्शन जो मोस्टली यूज होती है ऑटोकैड के अंदर। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। आखिर में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर आपको इस कोर्स की ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनकी आपको मास्टर डीवीडीज कॉपी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें हेल्पलाइन पर हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।